पार्टी रखी कब है? माँ मैंने ये पार्टी परसों रखी है। आप भाई साहब और भाभी को इस बारे में कुछ मत बताना। एक ना एक दिन तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अपनी बहन के लिए कुछ मीठा मीठा बनाया कि नहीं? हाँ हाँ माँ जी, मिठाई तो बनाई है। माँ जी वो भाभी माँ को फोन नहीं किया। ठीक है हम कर देंगे। क्या मैं भूमि शुक्ला से मिल सकता हूँ? उन्होंने तो जॉब छोड़ दिया है। इनफैक्ट कल उनका लास्ट डे था। क्या? नमस्ते शांति जी, कैसी हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? क्या बात है, आज सुबह सुबह याद किया? आज शाम को ना राजेंद्र और जानकी की शादी की सालगिरह है और बच्चों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है। हम लोग चाह रहे थे कि आप अगर सब परिवार आए तो बहुत अच्छा लगेगा हम सबको। जी जरूर आएंगे, हमारी समधी और समधन के खुशी में हम शामिल होने जरूर आएंगे। और वसुंधरा जी एक और बात। कहिए। मांड घर पे हूँ, दिल्ली से आ गए हूँ तो उन्हें भी साथ ले आइए, उनको मिलके सबको बहुत अच्छा लगेगा। जी वो आ गया है, हम उसे जरूर लाएंगे साथ। जी धन्यवाद। चलो ये काम भी हो गया। आज शाम सुरभि और मान के ससुराल में उनके सास ससुर की शादी की सालगिरह है, हम सबको न्योता है और आज शाम हमें उज्जैन जाना है। जी बिल्कुल भाभी माँ। अरे भाभी माँ, हम सब लोग कैसे जा सकते हैं? मेरा मतलब है का ससुराल है ना, तो ऐसे में अगर हम सब जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। न्योता सबके लिए है और सभी को जाना है सुमन। किसके ससुराल में कैसे रिश्ते रखने हैं वो हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। लता, वो लोग मान को बुलाने पे बहुत जोर दे रहे थे, तो ध्यान रहे वो हमारे साथ जाए। जी। इन्होंने तो कह दिया कि मान को लेकर जाना है, पर मान तो तब जाएगा ना जब घर पर होगा। पता नहीं ये लड़का कहाँ रहता है आजकल, मेरी जान लेकर रहेगा एक दिन। दीदी मैं क्या सोच रही थी, आज मान आ रहा है ना तो भूमि को मैं ये इयररिंग्स पहना दूंगी, कैसे लगेंगे? हाँ मासी बहुत सुंदर लगेंगे उस पे। मेरे पास ना ऐसे दो तीन सेट्स और है जो मैंने स्पेशली भूमि की शादी के लिए बनवाए। ये सब तो अच्छे हैं मासी, बट आप है ना भूमि के लिए दो तीन लेटेस्ट डिजाइन्स के सेट्स भी बनवा लो। वो क्या है ना, भूमि अभी यंग है तो उसे लेटेस्ट डिजाइन्स के सेट बहुत ज्यादा पसंद आए। अवनी तू तो अपनी बहन को जानती है ना, उसका तो जवाब यही रहेगा ना, जो आपको सही लगे, मुझे तो सारे ही अच्छे लग रहे। दीदी अभी भी भूमि उतनी ही मासूम और बच्ची सी है, मुझे ना कभी कभी ये ख्याल आता है कि उसकी शादी के लिए हम लोग जल्दबाजी तो नहीं कर रहे ना। धरा तो कोई अलग नहीं है दुनिया से, हर माँ अपनी बेटी की शादी से पहले यही सोचती है कि उसकी बेटी अभी भी बच्ची है। डोंट वरी मासी, अब हमारी भूमि बड़ी हो गई है और समझदार भी, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है और जब वो इतनी अच्छी है तो उसके साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। और पता है माँ, मेरे ससुराल में मान की बहुत सारी तारीफ हो रही थी, सुना है बहुत ही इंटेलिजेंट और हैंडसम सा है और भाभी माँ की तो जान ही है वो। मासी माँ, जब मान उन सभी लोगों का इतना लाडला है तो ऑटोमेटिकली भूमि भी उनकी लाडली ही हो जाएगी ना। तेरे मुंह में ढेर सारी चॉकलेट्स। बिल्कुल। अच्छा सुन, जा भूमि को लेके आ, उसे भी तो ये ज्वेलरी दिखाएंगे ना। हाँ अपनी जाके बुला के ला उसे। Really love you. तुम मुझे अपना प्यार सिर्फ तुम्हारे साथ एक मौका तक नहीं दो।
वो लोग बहुत लकी हो जान लड़के जो तुमसे प्यार कर शादी करने के लिए तैयार जिंदगी में सच्चा प्यार जिसे तुम जानती हो तुमसे प्यार कर मैं मानना ही पड़ेगा कि प्यार मौका देने के लिए भी तैयार नहीं मैं रियली लव यू बेसब्री से इंतजार रहेगा भूमि हाँ भाई ये तू क्या कर रही भाई कुछ नहीं जब से तू आई मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तेरा ध्यान कहीं और बता मुझे क्या वो नहीं भाई सब ठीक है ऐसा कुछ नहीं अच्छा मतलब अब तू इतनी बड़ी हो गई कि अपने भाई से बातें छुपाने लगी सच्ची भाई ऐसा कुछ नहीं है देख मैं नहीं जानता कि मेरे पास उसका सॉल्यूशन है या नहीं बट स्टिल अगर तू मुझे बताएगी तो तुझे अच्छा लगे सो टेल मी भाई वो बता भूमि क्या बात कुछ नहीं बस थोड़ी सी नर्वसनेस नर्वस किस लिए मैं भी अपनी शादी से पहले ऐसे ही नर्वस हुई थी बट डोंट वरी भूमि बस थोड़ा सा टाइम दे सब ठीक हो जाएगा चल अब चल माँ और मासी तुझे बुला रहे हैं वरुण थोड़ा तो पढ़ाई कर ले यार माँ बोल रही थी कुछ ज्यादा ही चक्कर लगा रहा है उस सुरभि के चक्कर में अरे दीप आप भी ना कुछ भी ऐसा कुछ नहीं पागल चल अभी आज पहली बार ऐसा लगा कि भूमि मुझसे कुछ छुपा ये मान भी ना पता नहीं कहाँ चला गया और फोन भी नहीं उठा रहा पर मैं आज उससे बात करके ही रहूंगी हेलो हेलो मान कहाँ हो तुम हाँ माँ बोलिए तेरी वजह से ना मैं हमेशा भाभी माँ के सामने फंस जाती हूँ क्या हुआ माँ आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ कुछ नहीं कह रही हैं बस तुझे घर पर बुलाया क्यों मान आज शाम को हम सबको लड़की वालों के घर जाना है वो लड़की की ताई जी और ताऊ जी की एनिवर्सरी है और भाभी माँ ने उन्हें प्रॉमिस किया है कि आज शाम तुम जरूर आओगे माँ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड ना ही मैं उनके घर जाने वाला हूँ और ना ही मुझे उस लड़की से शादी करनी है पर मान भाभी माँ ने उन्हें वादा किया है और तू जानता है ना कि वो अपनी जुबान की कितनी पक्की है माँ प्लीज मुझे फोर्स मत करो मैं नहीं आऊंगा मतलब नहीं आऊंगा पर मान माँ परवर कुछ नहीं आप मेरी तरफ से बड़ी माँ को कोई भी बहाना बना देना प्लीज नाउ आई हैव टू गो मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ओके बाय मान मान मेरी बात सुन हमेशा कैसे बहाना बनाऊं मैडम जी कॉफी ये देखा जाए छी इससे 1000 times बेटर तो वारुण है रिजेक्ट महीने में 20 दिन ट्रैवलिंग व्हाट नॉनसेंस इससे बेटर तो डॉक्टर है जितना भी बिजी होगा घर तो आएगा ही ना वापस कुछ तो टाइम मुझे देगा वैसे ये वारुण इतना बुरा भी नहीं दिखता एक्चुअली काफी हैंडसम है बहुत केयरिंग भी है ओह गॉड ये वारुण तो शिवलरस भी है उस दिन कैसे मैंने उसे बुलाया था तो बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे ऐसे ही चला आया आजकल के जमाने में कौन सा लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इतना करता है जितना मैं इस रिश्ते को टालने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही भाभी माँ ऐसे मेरे सर पे लादे जा रही है माँ क्या हुआ आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं सुरभि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है और तू मुझे पूछ रही है क्या हुआ माँ आप इतनी टेंशन में क्यों हो बताओ तो हुआ क्या है अरे वो लफांगा डॉक्टर है ना उस लफांगा नहीं डॉक्टर है वो जो भी हो है तो मिडिल क्लास ही ना एनीवे बोलो क्या हुआ
होना क्या है, उसके घर में ना पार्टी है, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी, इसलिए हमें भी जाना होगा उस माचिस के डब्बे जैसे घर में, थर्ड क्लास पार्टी। सीरियसली माँ, वरुण के घर में पार्टी? हाँ तो इसमें इतना उछलने की क्या बात है? नहीं, मैं तो पार्टी के नाम पे उछल रही थी। सच सच बता, चल क्या रहा है, क्या खिचड़ी पका रही है तू? माँ, खिचड़ी पकाने के अलावा मेरे पास बहुत सारे काम है, I'm busy। देख सुरभि, इस वक्त इस रिश्ते से ज्यादा जरूरी तेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तूने इस रिश्ते को तोड़ने की जिम्मेदारी ली थी ना, अभी ईमानदारी से निभाए से, ओके? माँ, टाइम लगता है ना, अब एक सेकंड में तो नहीं तोड़ सकती, कहा था ना आपसे। बात तो तेरी सही है, तू तो कितनी कोशिश कर रही है, पर ये वरुण ही है ना जो गम की तरह के तुझे चिपक गया। एक तो तू पहले ही इतनी टेंशन में, ऊपर से मैं भी तुझे डांट रही हूँ, सॉरी। और नहीं तो क्या माँ, अब मैंने रिलेशनशिप तोड़ने में पीएचडी तो नहीं की है ना, ट्रायल एंड एरर से मुझसे जितना हो रहा मैं कर रही हूँ ना। आई अंडरस्टैंड, चल तू स्ट्रेस मत ले, तू भी सोच मैं भी सोचती हूँ, हम दोनों माँ बेटी मिलकर उस वरुण को भगा देंगे, ठीक है? और ज्यादा टेंशन मत ले वरना डार्क सर्कल्स आ जाएंगे तुझे, अभी तेरी माँ जिंदा है ना। चल तू आराम कर, मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। अब तुम ही बताओ क्या हो गया है मुझे, हुँ? मैं इतनी कंफ्यूज्ड क्यों? कल तक तो मुझे वरुण से बिल्कुल शादी नहीं करनी थी, और अब आप ऐसा लगता है कि he's not bad, उसमें वो सारी क्वालिटीज भी हैं जो मुझे मेरी लाइफ पार्टनर में चाहिए। शायद बड़ी माँ ठीक ही कह रही थी, वरुण इज द राइट गाय फॉर मी। इंदर, वो राजश्री वालों को बोल देना कि कंसाइनमेंट टाइम से पूरा करके भिजवा दें। और हाँ अग्रिम। जी भाभी माँ। वो जबलपुर वाली डील का क्या हुआ? उनसे बात हो चुकी है भाभी माँ, परसों तक डील फाइनल हो जाएगी। ध्यान रहे, वो डील हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। और लता, यहाँ। जी भाभी माँ। तुमने मान को पार्टी के बारे में बता दिया था ना? जी। कब तक आ रहा है वो? लता, आजकल क्या ऊंचा सुनने लगी हो, या हमारी बातों पे तुम्हारा ध्यान नहीं रहता? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, मान कब तक आ रहा है, समय पे आ जाएगा ना? भाभी माँ, वो मान आज नहीं आ पाएगा। क्या भाभी माँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो ना उसे ठीक से समझा दिया था कि आज जाना बहुत जरूरी है, पर उसका काम इतना जरूरी था ना कि वो छोड़कर नहीं आ सकता था। उसका बहुत मन था कि वो चले, पर आप नाराज मत होइएगा भाभी माँ, सॉरी। ठीक है, बाकी सबको कह देना कि समय पे नीचे आ जाए, समझियों के यहाँ देर से जाना हमें अच्छा नहीं लगता। जी। आज तो जान बच गई, पर इस लड़के के चक्कर में ना कहीं भाभी माँ के सामने मेरा सम्मान छीन ना जाए। हे भगवान, पता नहीं आजकल इस लड़के के मन में चल क्या रहा है। ये लोग? वो लोग तो आज सुबह चले गए बेटा।
तो आंटी आपको कोई आइडिया है कि ये लोग कहाँ गए होंगे? हाँ दादाजी बता रहे थे कि वो लोग वापस उज्जैन जा रहे हैं। उनकी पोती की शादी है ना कुछ ही दिनों में। उनका उनका कोई एड्रेस होगा आपके पास? नहीं बेटा एड्रेस तो नहीं है मेरे पास। थैंक्स आंटी। ओके बेटा। ये पौधा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। भूमि ने अब तक ये संभाल कर रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी मुझे एक चांस देना चाहती है, लेकिन शायद डर रही है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूमि से मिलकर ही रहूंगा। अंश, हेलो। हेलो रिया। हाय। रिया तुम्हारे पास भूमि का उज्जैन का एड्रेस है क्या? उज्जैन का एड्रेस मेरे पास? तुम्हें क्यों चाहिए पहले ये बताओ। रिया तुम्हें सारी डिटेल्स में बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि भूमि रहती कहाँ है। अच्छा मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो उज्जैन में ना एलके रोड में रहती है। एलके रोड? हाँ दैट्स ऑल। थैंक्स। भूमि आज तो मैं तुमसे अपने आंसर्स लेकर ही रहूंगा। वरुण का मैसेज, अब मुझसे और वेट नहीं हो रहा, प्लीज जल्दी आओ। कमिंग सून। सुरभि सुरभि बताना मैं कौन सा सेट पहनूं, मैं कंफ्यूज हो रही हूं। सुरभि कौन फोटो खींच रहा है बेटा तेरी शीशे में से, जो तू ऐसे देख के मुस्कुरा रही है? कुछ नहीं, आप बताओ कोई काम था? हाँ वो क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा हार पहनूं, तू देख के बताना। दिखाओ। एक काम करो, ये ब्लू डायमंड वाला पहनो, ये आपकी साड़ी से मैच भी करेगा और महंगा भी लगेगा। अच्छा ठीक है ये पहन। अभी जाओ ना जल्दी, लेट हो जाएगा। परफेक्ट, कितनी सुंदर लग रही है ना, एकदम परी जैसी। मान की तो आज छुट्टी पक्की। मासी माँ देखो तो भूमि कैसी लग रही है, बहुत सुंदर। भूमि बेटा आज तेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन, तेरी शादी जिससे होने वाली है ना, तू उससे पहली बार मिलेगी आज, तू खुश तो है ना बेटा? हाँ टाइमस। क्या हुआ धरा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ कुछ नहीं दीदी। धरा मैं सिर्फ तेरी जेठानी नहीं हूं, तेरी बड़ी बहन भी हूं और साथ में एक माँ भी हूं बेटा। जब अपनी की शादी हो रही थी ना तो मेरा भी यही हाल था। अब क्यों इतना टेंशन ले रही हो मासी, सब सही है। और अब देखना भूमि और मान दोनों ही एकदम मेड फॉर ईच अदर कपल जैसे लगने वाले। अरे देखो हमारी भूमि शर्मा आ गई। ओए तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, और आप लोग मुझे इतना अटेंशन क्यों दे रहे हो? आज ताई मासी की पार्टी है, आज उनका दिन, आप सब लोगों को उन पे ध्यान देना चाहिए। कुछ हाँ सो तो है। <नहीं। laughs>
अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू बेटा। अकेले आए? मम्मी और पापा नहीं आए? पापा मम्मी किसी जरूरी फंक्शन में बैंगलोर गए। बस बस नमस्ते दादी। ए वरुण दामाद जी आ गए, क्या कर रहा है तू? हाय ब्रो, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? वंडरफुल। अपनी कहाँ है? अपनी ये लो आगे। हाय जीजू। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी। जी तेरा खुश रहो। खुश रहो। कितनी सुंदर लग रही है मेरी लाडो। धरा इसे नजर का टीका लगाया कि नहीं? हाँ माँ जी लगा दिया। आप लोग यहीं बैठिए, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। चुपचाप यहाँ पे बैठ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर लूंगी। इतने दिनों बाद घर आके बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गई। हाँ माँ हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माँ, आपके बगैर ये घर एकदम सुना हो गया। हाँ भाई मुझे तो इस बात की तसल्ली हो गई कि भूमि की नौकरी को लेकर मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। अरे 8 बजने को है और अभी तक वसुंधरा जी और उनके परिवार वाले नहीं आए। पूरा परिवार कितने खुश है, मुझे ये क्या हो रहा है? मैं खुश क्यों नहीं हूँ?